लेक्चर और आज स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर के 31 ईयर वाले प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले इसमें कई लेक्चर होगा क्योंकि वर्क एनर्जी पावर से काफ़ी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर जो है तो आप देखने से आपको लग रहा होगा छोटा चैप्टर, पर इसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि वर्क एनर्जी पावर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ओवरऑल पूरे फिजिक्स में यूज होते हैं। एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, वर्क एनर्जी थियरम होता है, कोलिजन होता है, ये सारी जो है वो फिजिक्स का बेस है। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करो, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बट इसमें इसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 2020 में आया था। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम इजी क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर आपके पास मास है कोई, ठीक है, जो भी अगर आपके पास मास है जो 0.5 ग्राम है, ठीक है, 0.5 ग्राम मास है, तो इस मास का एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना, मतलब ये जो मास है वो कितने एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी यार। ठीक है, अब सबको पता है कि आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc² वो बताएगा कि मास एनर्जी और मास जो है वो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट के इक्वल है। ठीक है, तो अभी जो मास है वो कितना है, 0.5 ग्राम है। ठीक है, और 10^-3 kg। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10^8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और ये 45, मतलब 4.5 × 10^16। ठीक है, 4.5 × 10^16 और 3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 × 10^13 जूल। इतने एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इतने एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, चलो आसान था।